सीएम मेरे भगवंत मान साथी जी ने अज अहम मुद्दे ते चर्चा करने जिन्हें लिए भी एक मंत्रालय में तुसी रिप्रेजेंट कर कॉन्फ्रेंस दे प्रेस कॉन्फ्रेंस सदी है। आओ बहुत छोटे देखते छोटे हैं की स्टेटों कहने हैं में मान साहब। बुलाया गया थे तुसी पहुंचे हो, थोड़ा स्वागत है। अज पंजाब सरकार दी एक बहुत अहम कैबिनेट दी मीटिंग सी जिदे विच बहुत सारे लोक पक्षी फैसले जिहड़े ने वो लए गए ने। बहुत सारे विधानसभा नाल संबंधित जिहड़े एक्ट वगैरह उत्थे लैके आउणे ने उन्होंने प्रवानगी दित्ती गई है। इहदे विच अज जिहड़ा कैबिनेट ने अप्रूव कीता है कि वख-वख विभागां दे विच कच्चे मुलाजम जिहड़े कम कर रहे सी उहनां नूं रेगुलर करन दा फैसला सर्वसंमति नाल कैबिनेट ने कीता है, जिन्हां दी गिणती 14,417 बनदी है जी। इस तों पहलां 13,000 दे लगभग असीं एजुकेशन डिपार्टमेंट दे जिहड़े मुलाजम ने उन्हां नूं पक्के रेगुलर कर चुके हैं। सो 14,417 वख-वख विभागां दे ने ते उन्हां नूं पक्के करन दा फैसला कीता गया जी। इस तों इलावा कैबिनेट दे विच क्योंकि अगे हाड़ी दा सीजन आउणा है, कणक दा सीजन आउणा है, तो फूड ग्रेन पॉलिसी जिहड़ी है उहनूं प्रवानगी दित्ती गई है, जिहदे विच के ट्रांसपोर्टेशन मंडी तों शैलरां तक लैके जाण दा ट्रांसपोर्ट दी पॉलिसी, सारे जिन्ने भी वहीकल होणगे उहनां दी ट्रैकिंग कि उह कदों मंडी चों चले ते कित्थे जा रहे ने, ताकि कोई इस तरह दियां शिकायतां ना होण कि माल बाहरों आ रहा है जां कितों होर आ रहा है। ते लेबर नाल संबंधित फैसले लै गए ने, असीं FCI नूं भेजिया सीगा कि 25% इनक्रीज करो जिहड़ी मजदूरां दी जिहड़ी दिहाड़ी है, लेबर है जिहड़ी मंडी दे विच लेबर कम करदी है, पर FCI सिर्फ 20% ते मन्नी है। पर असीं चाहुंदे हां कि 25% जिहड़ा है होना चाहीदा, क्योंकि महंगाई बहुत वध गई तां 20% जिहड़ा वो ज़्यादा नहीं हैगा। तो 5% का जिहड़ा विच गैप है वो पंजाब सरकार मजदूरां नूं जिहड़ी है वो उहनां दे खात्यां 'च पाऊगी, जिहदा कि 7 तों 8 करोड़ दे लगभग दा पंजाब सरकार दे खजाने ते असर पऊगा। मैं बोझ नहीं कहिंदा, असर पऊगा। बोझ तां होवे ना जे असीं मतलब गलत जगह ते दे रहे होईए। मैं बोझ लफज नहीं कहना चाहुंदा, खजाने ते बोझ कोई नहीं, खजाना भरन वाले भी तां लोक ही ने। सो 7 तों 8 करोड़ दा असर जिहड़ा खजाने चों जाऊगा पैसा लोकां कोल, सो 25% ही कर देंगे असीं। 20% FCI ने कहता, 5% उन्होंने कहता। इस तों इलावा वाटर टूरिज्म पानी नाल संबंधित कोई पॉलिसी है नहीं सी हुण तक, जदके साडे कोले ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ 23 ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ
जान लैन के किमें काम होंगे तो साडा जिहड़ा एरिया जिहड़ा खास तौर पर नंगल का एरिया रोपड़ का एरिया आनंदपुर साहब का एरिया ये बहुत वड्डा एक टूरिज्म हब बन सकता है क्योंकि लोग मनाली नू जांदे ने अगे नैना देवी दे दर्शन करन जांदे ने तख्त श्री केसगढ़ साहब मत्था टेकन जांदे ने अगे चिंतपुरनी माता जी दे मंदिर जांदे ने बगला मुखी सारे जांदे ने सो रिलीजियस टूरिज्म दे नाल नाल दूजी टूरिज्म भी इहदे नाल हो जूगी ताकि ए कमेटी जिहड़ी है वो परवानगी दित्ती है पुरानी पेंशन स्कीम नूं पंजाब च लागू करन हित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जिहड़ा SOP है वो बनाउण लई वित्त विभाग की नोटिफिकेशन नंबर 2/1/2022-27/1/2023 राहीं गठित अधिकारियों की सब कमेटी अते इस कमेटी दी सिफारशां नूं विचारन लई मंत्री साहबां दी कैबिनेट सब कमेटी संबंधी कार्ज बाद प्रवानगी लैण बारे ओह जिहड़ा है प्रवानगी दे दित्ती गई है जो कि OPS दे विच ओल्ड पेंशन स्कीम दे विच कैबिनेट दी प्रवानगी होगी तां असीं उहदे अगले जिहड़े रूल्स एंड रेगुलेशन ने उहनां नूं असीं मुलाजमां दे हक च कर सकदे इक गरीबां लई अफोर्डेबल हाउसिंग ये पॉलिसी असी लिआंदी है कि जिथे झुग्गियां झोपड़ियां ने जां कच्चे घर ने असी उन्हां नूं पक्के घर देवांगे चाहे वो सानूं जगह कितें होर लेनी पवे एक टावर बनाउणा पै जाए उहदी पर्टिकुलर एक एरिया कि इन्ने एरिए च ही बनूंगा तो असी चाहुंदे आ कि पंजाब दे विच घट्टो घट्ट कोई इहो जिहा बंदा ना होवे जिहदे कोल घर ना होवे छत ना होवे सिर ते तो अफोर्डेबल हाउस की जिहड़ी हाउसिंग की पॉलिसी है वह भी आई है तो जिहनूं तुसीं वेट कर रहे हो सब तो वध वह मैं दस दिना पंजाब का बजट सैशन विधानसभा का वो 3 मार्च में शुरू होगा 3 मार्च में मानयोग राजपाल साहब का गवर्नर साहब का भाषण होगा स्पीच होगी उन्होंने 6 मार्च में उस भाषण पर जिहड़ा डिबेट होगी तो वोट ऑफ थैंक्स भी हो जूगा 7 मार्च में नॉन ऑफिशियल कम्मां का दिन होंदा 8 मार्च में होली है गजटेड छुट्टी है 9 में फिर लैजिस्लेटिव बिजनेस है 10 मार्च में पंजाब का आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला फुल बजट जिहड़ा 10 मार्च में पेश किया जाऊगा जी पंजाब का पंजाब सरकार का पहला फुल बजट 10 मार्च में विधानसभा च पेश किया जाऊगा तो 11 मार्च में बजट पर डिबेट होगी सारिया पार्टियां मौका मिलेगा बोलन का सुझाव भी आएंगे उस तो बाद सभा नूं पक्के तौर पर नहीं आरजी तौर पर उठा लिया जाऊगा क्योंकि 15, 16, 17 मार्च ते 19 ते 20 मार्च G20 दे 2 सम्मेलन पंजाब नूं जिहड़े मिले ने श्री अमृतसर साहब विखे वह होणगे जी 15, 16, 17 मार्च एजुकेशन ते 19 ते 20 मार्च लेबर ते बजट सैशन फिर दोबारा शुरू हो जूगा 22 मार्च में 23 मार्च की छुट्टी है शहीद आजम भगत सिंह होरां दे शहीदी दिवस है तो 24 मार्च में फिर फुल डे जिहड़ा है वो चाहे वह क्वेश्चन होण विधायकां दे चाहे 0 आवर चाहे वह स्पीकर साहब जो भी डिसाइड करनगे जिहड़ा BAC बिजनेस एडवाइजर कमेटी जो भी डिसाइड होगा वह जिहड़ा लैजिस्लेटिव वर्क उत्थे होगा जी सो मैं एक बार फिर दस दिना 3 मार्च में विधानसभा का बजट सैशन शुरू होगा गवर्नर साहब की स्पीच होगी 6 मार्च में स्पीच ते डिबेट होगी तो 7 नॉन ऑफिशियल डे 8 होली नॉन ऑफिशियल डे भी कम होगा
मतलब पर दूसरा काम जिहड़ा रखा जाता विधानसभा के रूल्स मुताबक जिहदे विच जिहड़े कोई एक्ट ने कोई छोटे मोटे कोई सौदा ने लैजिस्लेटिव बिजनेस जिहड़ा होगा 10 मार्च नूं पंजाब का बजट फुल बजट जिहड़ा पंजाब सरकार वल्लों पहली बार पेश किया जा रहा क्योंकि पिछले साल 16 मार्च नूं सरकार बनी सी ते इस करके असीं फुल बजट नहीं पेश कर सके 3 महीनों का असीं वो जिहड़ा पहला एक्सटेंशन लैनी सी उच्चों ते 11 मार्च नूं बजट सैटरडे या 11 मार्च पर सैटरडे चलावांगे असीं 11 मार्च नूं सैटरडे पर सैटरडे नूं चलावांगे तो बजट ते डिबेट होगी फिर उस तों बाद 7-8 दिन का ब्रेक है क्योंकि 15-16-17-18-19-20 साढ़े G20 सम्मेलन जिहड़े पंजाब नूं मिले ने वो होणगे 22 तरीक नूं ते 24 तरीक नूं फिर दोबारा विधानसभा जिहड़ी है वो अपना काम करे। पॉलिसी नहीं सी वो स्लिप ऑफ टंग सी वो जबान फिसली सी वो पॉलिसी नहीं सी एवें कह बैठे कितने पानी की बसा चलावे उन्होंने लागू करने वास्ते इन्ने पैसे लाते गोवा तो लिया के कड़ुका जहा खड़ाता उत्थे वो पॉलिसी नहीं सी। नाओ देर इज़ ए वाटर टूरिज्म पॉलिसी और होटल भी बन गए फिल्म सिटी का भी प्लैन है नाल नाल वाटर स्पोर्ट्स का भी उन्होंने भी बढ़ावा देवे जे तुसी इधर रणजीत सागर डैम वल जाके देखो तो इस तो कुछ जगह नू मिनी गोवा भी कहा जाता है इन्ना नीला पानी है तो साढ़े को वाटर फ्रंट की कोई कमी नहीं पर टूरिज्म वल क्योंकि ध्यान नहीं दिता गया ना तो फॉरैसट ऑफिस जिहड़े डिपार्टमेंट के जिहड़े रेस्ट हाउस ने उन्हां वल ध्यान दिता गया ना ही नहरी जिहड़े विश्राम घर ने बेच ही दिते गए तो बता सो असी उन्होंने जिहड़े हैगे ने उन्होंने दोबारा रेनोवेट करके अप टू डेट करांगे ताकि पंजाब दे विच टूरिज्म जिहड़ा है वो एक बहुत वड्डा खास तौर पर इस एरिए दे विच कंडी दे एरिए दे विच इहनूं असीं प्रमोट कर सकते हैं। असीं केंद्र सरकार नाल संपर्क च हां एक बारी मीटिंग पीयूष गोयल जी ने हुई सी तो उन्होंने कहा सीगा किसी RTF का पैसा लीज करांगे कर देंगे सानू जूट बैग्स सानू सारे जिहड़ी प्रोक्योरमेंट वास्ते चाहिए होंगे तो असी एक्ट के भी सोध कर ली कि पैसा सिर्फ जिहड़ा वो मंडियां तो मंडियां जांदियां सड़कां नू ते ही वरत्या जाऊगा पहलां वाली सरकार ने जिहड़ा मिसयूज़ कर लिया सी पैसा किते होर तां करके उन्होंने रोक लाई हुई सी तो असी सेंटर सरकार नू ये बार बार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं मिलांगे भी कि साडा RTF का पैसा लीज करो ताकि असी फूड बॉल हाँ असी कणक ते चावल जिहड़ा सब तो वध पंजाब दे रहा है सेंटर पूल नू ताकि असी जिहड़ा देश दे विच अनाज दे भंडार दे विच अपना हिस्सा पा सकीए। देखो जी ये हिमाचल ने हुणे कीती उन्होंने तो साडी पॉलिसी लई है राजस्थान ने पहले कीती है छत्तीसगढ़ ने कीती है तो सेंटर जिहड़ा है वह ये कहिंदा कि असी जिन्ने पैसे साडे कोल आ गए असी उह दिंदे नहीं फिर पर असी रेगूलरली पेमेंट कर रहे हैं उन्होंने साडे वाली OPS के फर्क यह है कि राजस्थान तो दिनों हट गया तो उन्होंने पैसे रोक ले डेडलॉक हो गया असी तो उन्होंने हजे पैसे दे रहे हैं नाल उन्होंने ये कह रहे हैं कि तुसी जिहड़ा ये पॉलिसी के चेंज करो क्योंकि सरकारी मुलाजम है वह जिहड़ा GPF कटदा है जिहड़े फंड कटदे ने पहला वह उन्होंने रिटायरमेंट तो बाद मिल जाते ब्याज समेत मिल जाते अपना कितने बुढ़ापे का ज अपनी लाइफ का रही लाइफ का प्रबंध कर लेना सी हुण ये की करते हैं ये पैसे कट के ये शेयर मार्केट चला लेंगे ने ना तो पूछा जाता उन्होंने कि किड़े शेयर खरीदिए फर्ज कर लो उन्होंने कोई ऐसी कंपनी के शेयर खरीद ले जी डुब गई हूँ पिछे जो शेयर मार्केट जी है वह डिग के हटी है तो वह पैसा फिर जोड़ा वो ना तो बैंकों नुकसान होंगे ना ही गौरमेंट न वो पैसा जाता मुलाजमान का सो मुलाजम ये कहें ने कि सानू जे 25-25-30-30 साल नौकरी करके 16-16-18-18 सौ या 2-2 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी थोड़ा पैसा किधर लैगे तुम फिर
ਸੋ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 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 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੂਲਸ 1958 ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਸ ਨੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਐਡ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਮਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ 'ਤੇ 500-1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ BSF ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਗੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣਗੇ, ਆਹ 23 ਅਤੇ 24 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂ ਸੱਦ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ 117 ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, MBBS, IIT, NDA ਅਤੇ ਲਾਅ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 500 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 5.5 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੀ।